Hi dosto, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are with this book Rainbow Part 2, and we were on the chapter How Free is the Press. This is our second lecture, and How Free is the Press by Dorothy L.Sayers. Okay dosto, so it is the second chapter, I believe, is the second chapter. The second lecture. First lecture has been delivered. Second lecture is this. So we are on page number 72. तो चलिए हम इसको यहाँ तक पेज नंबर 71 तक कर चुके हैं दोस्तों. हम लोग पेज नंबर 72 से शुरू करते हैं. लंबा सा चैप्टर है तो डेफिनेटली बात है कि हम लोग जो वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन करेंगे तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, बट आप कर सकते हैं. आप किताब ले लीजिए, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं. आप निकालिए रेनबो का बिल्कुल ये पेज नंबर 72 और पॉइंट नंबर 8 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. बट स्टिल आपको पता है कि हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे में अब तक कितना पढ़ चुके हैं. तो चलिए हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 से. बट स्टिल मोर सीरियस, कहते हैं कि लेकिन स्टिल फिर भी बहुत ज़्यादा सीरियस, मोर सीरियस काफ़ी गंभीर, सीरियस माने गंभीर. बिकॉज मोर सटल, दोस्तों ये सटल SUBTLE सबटल नहीं है, ये सटल है, बी साइलेंट है, क्लियर है. सटल इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ जब बोलते ना कि काफ़ी चालाक है, क्लियर नहीं है, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चालाक, है ना. सटल SUBTLE सटल, सबटल नहीं, सटल. ओके, बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन फिर भी अब भी ज़्यादा गंभीर बात क्या है. बिकॉज मोर सटल, ये ज़्यादा चालाक, ज़्यादा मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, चालाक जो बोलते हैं हम लोग, या क्लियर नहीं है जो चीज़, मोर सटल देन द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स बाई वेरियस काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द इज द कंट्रोल एंड सेंसरशिप एक्सरसाइज बाई द प्रेस अपॉन द न्यूज एंड ओपिनियंस विच इट डिसमिनेट्स. कह रहा है कि कंट्रोल अप्लाइड टू द इंडिविजुअल, वो जो कंट्रोल है, वो जो एक तरह का जो दोस्तों हैंडलिंग है, वो जो कंट्रोल है, जो है ना अप्लाइड टू द इंडिविजुअल, जब उसको लागू किया जाता है किसी विशेष आदमी पे, इंडिविजुअल पे, है ना, टू इंडिविजुअल पेपर्स बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट. अब ध्यान से देखिए, जब इस चालाकी के साथ, सटली चालाकी के साथ, जब इन कंट्रोल्स को, इन हैंडलिंग को अप्लाई किया जाता है, कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है किस पर, टू इंडिविजुअल पेपर्स, किसी भी खास न्यूज़पेपर को, किसी भी निजी न्यूज़पेपर को जब ये अप्लाई किया जाता है बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, भिन्न प्रकार के जो स्वार्थ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो 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 अपना जो अपना इंटरेस्ट है अब उसको सर्व करने के लिए, जो अपना जो स्वार्थ है उसको उसको भिन्न प्रकार के, वेरियस काइंड्स मैंने भिन्न प्रकार के स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, है ना, इज द कंट्रोल एंड सेंसरशिप एक्सरसाइज्ड. ये क्या है, क्या चीज़ है, इज द कंट्रोल, कहते हैं कि वो जो कंट्रोल है और वो सेंसरशिप है, वो जो रोक है, वो जो प्रतिबंध है, एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा लगाया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, अपॉन द न्यूज़, अपॉन द न्यूज़ किस पर, न्यूज़ पर, खबरों पर, एंड ओपिनियंस और राय, जितने भी मत होते हैं पब्लिक के, उस पर, विच इज डिसमिनेट्स, वो जितने प्रकार के खबरों को वो डिसमिनेट करता है, फैलाता है, स्प्रेड करता है, और सब पर क्या करता है, इंटरेस्ट, उसका जो पर्सनल स्वार्थ है वो भी अपना यूज़ करना चाहता है. चलिए हम इसको थोड़ा और क्लियरली हम लोग थोड़ा सोचते हैं. डेसिमिनेट मैंने दोस्तों DISSEMINATES डेसिमिनेट मैंने, तो फैलाना, बखेरना, फैलाना, स्प्रेड करना. एक बार फिर पढ़ते हैं हम लोग. बट स्टिल मोर सीरियस, कहता अब भी एक सीरियस बात क्या है, बिकॉज मोर सटल, कहता क्योंकि ज़्यादा चालाकी, ज़्यादा चालाक, ज़्यादा है ना सटल, देन द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल पेपर पर, किसी भी निजी पत्र पर, अगर ये विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट और स्वार्थ को
लगाया जाता है ना, इज द कंट्रोल रूम। तो वो किस प्रकार का कंट्रोल है? वो कंट्रोल है और सेंसरशिप है, एक तरह की रोक है जो कि लगाया जाता है, जो कि एक्सरसाइज किया जाता है बाय द प्रेस के द्वारा अपॉन द न्यूज एंड ओपिनियंस विच इट डिसिमिनेट्स, उन सारे न्यूज पर, उन सारे ओपिनियंस पर जो देता है, जो फैलाता है, उन सारे पर ये क्या करता है, सेंसरशिप लगा देता है और कंट्रोलिंग पावर होता है उसका, कंट्रोल भी कर लेता है। तो कंट्रोल रेस्ट अपॉन, वो जो कंट्रोल है वो रहता है, टिकता है, रेस्ट अपॉन मतलब रहना, टिकना। एंड एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक असम्पशंस, वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, टू बेसिक असम्पशंस, दो मुख्य अवधारणाओं का क्या करता है, वो शोषण करता है। ये जो प्रेस वाले, जो न्यूज़पेपर वाले, जो अपने न्यूज़ के, अपने पब्लिक ओपिनियन के द्वारा जो चीज़ फैलाता है, वो दो चीज़ों को काफ़ी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करता है, क्या करता है, शोषण करता है, किस चीज़ का, दो, टू बेसिक असम्पशंस, दो अवधारणाओं का, अबाउट द पब्लिक, पब्लिक के विषय में, पब्लिक के बारे में क्या चीज़ है, पॉइंट नंबर वन, दैट दे हैव नॉट द विट्स टू डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। मतलब जो जितने मीडिया हाउसेस होते हैं दोस्तों, जितने भी पेपर्स होते हैं, वो सारी जो भी चीज़ें वो लिखते हैं, जो भी बातें वो लिखते हैं, उससे वो जो भी चीज़ फैलाना चाहते हैं उसका अपने पर कंट्रोल होता है, और वो जो भी न्यूज़ फैलाते हैं वो दो अवधारणाओं का बहुत बुरी तरह से क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसका शोषण करते हैं। वो क्या आइडिया है, पहला आइडिया, वो जो आपके प्रेस वाले हैं वो ये चीज समझते हैं कि दैट दे हैव नॉट द विट, कहते हैं कि वे लोग, उनको अकल नहीं है, विट्स नहीं है, दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश, उनके पास इतनी भी अकल नहीं है वो फर्क कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, अलग कर सके, ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, सच को झूठ से अलग कर सके, इतनी भी उनमें समझ नहीं है। ये कौन है, ये पेपर वाले के लगा रहे, लोगों के बारे में, पब्लिक के बारे में, अबाउट द पब्लिक लिखा हुआ है, अबाउट द पब्लिक, पब्लिक के बारे में दो अवधारणाओं को ये लोग क्या करते हैं, उसका शोषण करते हैं। पहला नंबर वन कि इन लोगों को, पब्लिक को बिल्कुल भी ज़रा भी अकल नहीं है, ज़रा भी विट्स नहीं है कि वो गलत को सही से अलग कर सके, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर बी, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज टिटिलेटिंग, कहता है कि उनको इतना भी नहीं पता है, दे डू नॉट केयर, उनको ज़रा भी ख्याल नहीं है, वो केयर ही नहीं करते, वो परवाह ही नहीं करते, कौन, पब्लिक लोग, जनता परवाह नहीं करती किस चीज़ का, दैट ऑल दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो कहते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट्स उसमें पेपर में डाले जाते हैं किसके द्वारा, प्रेस के द्वारा, तो ये प्रेस को ये गुमान है कि जितना भी हम लोग इसमें डालते हैं, जितना भी न्यूज़ हम फैलाते हैं, वो पब्लिक ये जानती है, सबसे पहले तो पब्लिक को सच और झूठ में अंतर करने का विट्स ही नहीं है, उसमें चालाकी या फिर उसमें अकलमंदी नहीं है, और दूसरी बात कहते हैं कि उनको परवाह ही नहीं है, वो परवाह ही नहीं करते कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो इसमें लिखा गया है वो सत्य है नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है इस बात की। दो चीज़ें दोस्तों, प्रेस वाले पब्लिक की दो अवधारणाओं को काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं उसका, इसलिए वो जो मन में आता है छाप देते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आपको बात पकड़ में आ रही है ना, गुड, ओके, फॉल्स, ओके, प्रोवाइडेड इज टिटिलेटिंग, और ये दिया हुआ है कि वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो टिटिलेटिंग है, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, साफ नहीं है, है ना, नीदर असम्पशन इज फ्लैटरिंग, न कि वो अवधारणा फ्लैटरिंग है, मतलब चापलूसी वाला है, एंड इंडीड, और बिल्कुल बेशक सच्चाई में अगर देखा जाए, बिटवीन द लैंग्वेज एंड प्राइवेट यूज्ड प्राइवेटली, कहता है कि बिटवीन द लैंग्वेज, जो भाषा के बीच में, यूज्ड प्राइवेटली, जो कि बोलते हैं ना कि बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ अबाउट इट्स ब्रिटिश रीडर्स एंड द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली बाय हिटलर अबाउट हिज जर्मन ट्रेडर्स देयर इज वेरी लिटिल टू चूज। कहते कि जो भाषा का इस्तेमाल होता है, पहले दो बातें हैं कि पब्लिक को ये समझ नहीं आती कि झूठ क्या है, सच क्या है,
उनको अकल ही नहीं है, दूसरी बात उनको केयर ही नहीं है कि क्या सच छप रहा है क्या झूठ छप रहा है, जो स्टेटमेंट इस पेपर में आ रहा है जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो कितना सच है नहीं है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों कि नीदर असम्पशन इज फ्लैटरिंग, न तो ये जो अवधारणा असम्पशन है, ये जो असम्पशन है, ये जो माना जाता है वो फ्लैटरिंग है, फ्लैटर मैंने फ्लैटर करना, चापलूसी करना, एंड इंडीड और बिल्कुल ये सच है बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली, कहता वो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो जो प्राइवेटली निजी तौर पर यूज़ किया जाता है बाय द लेट वो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के द्वारा, किसके द्वारा, प्राइवेटली निजी रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के द्वारा अबाउट हिज ब्रिटिश रीडर्स, जो अपने ब्रिटिश रीडर्स के बारे में क्या कहते हैं, बताते हैं, एंड द लैंग्वेज यूज पब्लिकली बाय हिटलर, और वो लैंग्वेज जो पूरे पब्लिक में लोगों के लिए आम जनता के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कौन करता है, हिटलर अबाउट हिज जर्मन रीडर्स, वो अपने जर्मन रीडर्स के लिए, जर्मनी के लोग जो इसको पढ़ते हैं, जर्मनी के लिए पढ़ने वालों के लिए ये जो बात कही, किसने कही, हिटलर ने कही, देयर इज़ वेरी लिटिल टू चूज, काफ़ी कम दोनों में अंतर है, बड़ा मुश्किल से हमको चुनना पड़ सकता है, हम इसको चुने कि उसको चुने, जैसे कि लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने किसके बारे में कहा था, ब्रिटिश रीडर्स के बारे में किसने कहा था, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने, और हिटलर ने अपने जर्मन रीडर्स के बारे में ये बात कहा था, तो ये दोनों को काफ़ी मुश्किल है चूज़ करना दोनों में, बोथ अज्यूम दोनों केस में, हिटलर के भी केस में और नॉर्थक्लिफ के भी केस में, बोथ अज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, जो पढ़ने वाले हैं जो पेपर को पढ़ते हैं उसको जो भी लिख दो वो उस पर यकीन करेंगे, उस पर बिलीव करेंगे, मतलब उसमें हम जो भी लिखेंगे उसको यकीन करना पड़ेगा। ये दो बातें हैं दोस्तों, प्रेस वाले समझते हैं कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं और हम जो चीज़ डाल रहे हैं, जो चीज़ हम सर्व कर रहे हैं पेपर के द्वारा, अपने आर्टिकल्स के द्वारा, अपने लेख के द्वारा समाचार पत्रों में, वो जनता को, वो पब्लिक को यकीन करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। ये हिटलर भी सोचता था और ये लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ भी अपने ब्रिटिश रीडर्स के लिए सोचता था, और हिटलर अपने जर्मन रीडर्स के लिए सोचता था, वो जानता था कि मैं जो इस पेपर में लिखूंगा वो लोग उस पर यकीन करेंगे ही करेंगे। ओके, द रिजल्ट इज द एक्यूरेट रिपोर्टिंग, द रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, रिजल्ट है कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग, जो करेक्ट रिपोर्टिंग है, सही रिपोर्टिंग है, सही खबर देना है, व्हिच यूज्ड टू बी द प्राइड ऑफ द ओल्ड फैशन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, वो जो पुराने ज़माने के न्यूज़पेपर थे, ओल्ड फैशन थे, पुराने फैशन के थे, पुराने स्टाइल के थे, लेकिन उनका जो न्यूज़ देने का जो तरीका था उनका, व्हिच यूज्ड टू बी द प्राइड, और ये उनको फख्र होता था, गर्व होता था अपने न्यूज़ देने के तरीके पर, चूँकि वो रिपोर्टिंग जो करते थे करेक्ट रिपोर्टिंग करते थे। ओके, हैज लार्जली गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग विच इज़ बेस्ट स्लिपशॉड एंड एट वर्स्ट टेंडेंशियस, वो ज़माना था जब उन पेपर्स का जो न्यूज़ था वो काफ़ी क्लियर था, एकदम टू द पॉइंट था और सच था, लेकिन आज के ज़माने में हैज़ लार्जली गिवन प्लेस, वो प्लेस हट गया है, वो जगह किसने ले लिया है, दूसरे ने ले लिया है, क्या जगह लिया है, प्लेस टू रिपोर्टिंग विच इज एट बेस्ट स्लिप शॉर्ड। दोस्तों ये जो है ना स्लिप शॉर्ड, ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बेस्ट होता है स्लिप शॉर्ड, केयरलेस स्लिप शॉर्ड, एकदम उस जरा भी उसमें केयर नहीं होता है, ठीक है जैसा न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग विच इज एट बेस्ट स्लिप शॉर्ड एंड एट वर्स्ट टेंडेंशियस बायास्ड, एक तरफा, टेंडेंशियस मैंने TNDNTIOS, टेंडेंशियस मैंने होता है दोस्तों बायास्ड, आज का जो न्यूज़ है, जो नया, वो जो पुराने न्यूज़ को रिप्लेस किया गया, आज के जो इस दौर के जो समाचार पत्रों ने उसको रिप्लेस किया है, उसको उसका उसका स्थान लिया है, क्या करके स्थान लिया है, केयरलेसनेस, बायास, एक तरफा न्यूज़ किसी इंसान के प्रति, किसी पार्टी के प्रति, किसी भी ताकतवर इंसान के प्रति एक तरफा न्यूज़ ये लोग लिख देते हैं और चला देते हैं, टेंडेंशियस बायास्ड, जो एक तरफा हो। ओके दोस्तों,
और स्लिपशॉट 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 बोलते हैं केयरलेस, इस तरह का न्यूज़ छापते जो कि केयरलेस होता है, कोई मतलब नहीं होता, एकदम लापरवाह, कैसे वैसे छाप दिया, कोई जिम्मेदारी है नहीं है, कोई जवाबदेही है नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, प्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब का प्रेस ने उस प्रेस को वो ज़माने का जो टाइम था उसको हटा करके आज जो प्रेस ने यही स्थान लिया है। क्लियर दोस्तों? ओके वेरी गुड। कहाँ चला गया? ओके नंबर 9, आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट, कहता कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ चिपकाना चाहता हूँ, मैं कुछ उदाहरण इलस्ट्रेशन देना चाहिए, इलस्ट्रेट मैंने होता दोस्तों उदाहरण देना, फिगर के साथ चित्रों के साथ उदाहरण को बोलते इलस्ट्रेट, तो हम कुछ आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट, कौन कह रही है? मिस सेयर्स कह रही हैं, मिसेस कह रही हैं कि डोरोथी कह रही हैं कि मुझे कुछ एग्जांपल देना चाहिए विथ क्वाइट ट्रिवियल एग्जांपल्स, बहुत छोटे, क्वाइट मैंने बहुत बहुत ज़्यादा, एकदम ट्रिवियल मैंने छोटे 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 एग्जांपल्स मुझे देना पड़ेगा, ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अपने निजी तजुर्बे से, निजी अनुभव से प्राप्त किया है, उसको मुझे वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। द वेरियस वेज बाई विच, और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, वेरियस तरीकों से, वेरियस मैंने होता है डिफरेंट, कई तरीकों से, बाय विच बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन, जिसके द्वारा कि बोथ दोनों तथ्य और मत, फैक्ट माने तथ्य, ओपिनियन माने मत, मत माने राय, फैक्ट माने तथ्य, कहते दोस्तों कि बाय विच जिसके द्वारा द वेरियस वेज, वो सारे रास्ते, भिन्न रास्ते, बाय विच जिसके द्वारा बोथ फैक्ट, दोनों तथ्य और ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड। देखिए दोस्तों, तथ्य को, सच्चाई को और पब्लिक मत को, जो पब्लिक का मत है, पब्लिक की राय, उसको डिस्टोर्ट किया जा सकता है, उसको तोड़ा मरोड़ा घुमाया पेचा जा सकता है, सो दैट अ काइंड ऑफ स्मियर ऑफ अनरियलिटी इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज, सो दैट मैंने ताकि काइंड ऑफ स्मियर ऑफ अनरियलिटी, कहता है कि एक अनरियलिटी का, रियलिटी नहीं, सच्चाई नहीं, गैर सच्चाई जो कि रियल नहीं है, अनरियल है, अनरियलिटी का जो स्मियर है, जो स्मियर, स्मियर बोलते हैं, SMEAR, स्मियर, इसमें बोलते हैं दोस्तों घस घस कर लगाना, जैसे हम लिपस्टिक लगाते हैं ना घस घस करके, कहीं कोई लगाते हैं हम लोग, जैसे कोई क्रीम लगाते हैं उसको स्मियर बोलते हैं दोस्तों ना, तो वही बोलता है कि अनरियलिटी जो हम फैलाते हैं उसको घस घस कर हम लोग, क्या, ताकि काइंड ऑफ स्मियर ऑफ अनरियलिटी, एक अनरियलिटी का, गैर सच्चाई का, उस पर परत क्या क्या आता है, लगाया जाता है, इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज, और उसको फैला दिया जाता है पूरे के पूरे अखबार के, समाचार पत्र के पेजों पर, उनके पृष्ठों पर, उनको फैला दिया जाता है, उनको पोत दिया जाता है, किससे, अनरियलिटी से, इसको रियलिटी से, इसको सच्चाई से, इसको हकीकत से, इसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, कहाँ, न्यूज़पेपर में, आप समझ रहे मेरी बात? ओके फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स, कहता है कि अगर हम पब्लिक अफेयर, जनता के काम काजों, अफेयर्स के रिपोर्ट्स को देखें, कि खबर को देखें, डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, चाहे जनता की बातें हो, चाहे जनता का कंसर्न हो, उन जनता की के प्रॉब्लम्स हो, या मोस्ट कैजुअल आइटम्स, या सबसे ज़्यादा कैजुअल जो आइटम्स हैं, मीन जो गॉसिप, कोई ऐसा पेज होता है ना दोस्तों जहाँ हंसी मजाक वगैरह, गॉसिप वगैरह, आजकल क्या चल रहा है हमारे समाज में या हमारे शहर में, उस तरह के जो बातें होती हैं, ये सारी बातों में, इन सारी चीज़ों में एक तरह का स्मियर किया जाता है, एक लेपापोती किया जाता है, ताकि उसका जो अखबार है वो बिक सके, अनरियलिटी के आधार पर, कोई वास्तविकता उसमें नहीं होती। क्लियर? फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, जितने भी डेली गॉसिप की चीज़ें होती हैं, गपशप की चीज़ें होती हैं, गॉसिप मैंने गपशप, डेली मैंने हर दिन की गपशप की, जो कैजुअल चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों में वही किया जाता है, स्मियर एक लेपापोती की आकी जाती है, अनरियलिटी का, सच्चाई का नहीं, गैर सच्चाई का, जो उसको वास्तविक अवास्तविकता का, है ना, एक लेपापोती किया जाता है, लेपा जाता है, ताकि लोगों को बस अच्छा लगे और उसका सेल हो, किसका, पेपर का सेल हो, न्यूज़पेपर बिके, आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। हम लोग 10 पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये जो
प्रेस है, ये प्रेस कहाँ कहाँ किस किस तरह से लोगों को लेपापोती करता है। पॉइंट नंबर वन आपके बुक में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर वन सेंसेशनल हेडलाइंस, वो जो सुर्खियाँ देता है, वो जो हेडलाइंस देता है काफ़ी सनसनीखेज होता है, सेंसेशनल होता है। सनसनीखेज हेडलाइंस के द्वारा क्या करता है, लोगों को अपने ओर वो आकर्षित करता है, खींचता है। सनसनीखेज, सच कितना गलत कितना नहीं पता। पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं दोस्तों, गार्बलिंग। गार्बलिंग बोलते दोस्तों कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को देते, कुछ ऐसी चीज़ों को देते जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न पैदा करता है, वो है नहीं है, वो क्या है, सच है गलत है, वो कन्फ्यूज़न को जन्म देता है। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री की बात करें दोस्तों तो ब्लैंड परवर्जन्स, कहता है कि वैसी चीज़ें जो ह्यूमिलेशन, जो लोग है ना, एक तरह का लो फीलिंग के किसी पेज पे किसी के बारे में बुराई लिखना, एक लो फीलिंग का, ह्यूमिलेशन का या परवर्जन का एक ब्लैंड परवर्जन है। ब्लैंड मतलब डिस्टेस्टफुल, जो बिल्कुल पढ़ने में किसी व्यक्ति को पढ़ने में या अपने बारे में पढ़ने में उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बारे में उस पर उसकी बुराइयाँ लिखी हुई होती हैं। ब्लैंड परवर्जन। अगला इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का गलत रिपोर्टिंग। कोई जो तथ्य होता है उसको सही से रिपोर्ट नहीं करते, तोड़ मरोड़ करके उसको गलत चीज़ को रिपोर्ट करते। पॉइंट नंबर फोर, प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, और तथ्यों को पूरी तरह उल्टा देते, पलटा देते, प्लेनली सादे तौर पर उसको पलटा देते। तो ये प्रेस की कुछ गलतियां हैं, जो इसी चार पांच चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते दोस्तों, सेंसेशनल हेडलाइंस, जो काफ़ी सनसनीखेज जो सुर्खियाँ बनाते हैं, जो हेडलाइंस बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं क्या है। फॉल्स एम्फेसिस, कहता है कि गलत जोर, एम्फेसिस मैंने जोर डालना, गलत तरह से जोर डालते हैं। एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जो संदर्भ होता है, जो बात होती है, उसको सप्रेस करते हैं, तो उसको दबा देते हैं। दिस ईयर 1941, ये कह रही हैं डोरोथी एल.सेयर्स कि 1941 की बात बता रहे हैं वो। दिस ईयर, इस साल 1941 में एट द मालवर्न कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं वो। आई रेड ए पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स, इसलिए मिस डोरोथी कह रही हैं कि 1941 में मालवर्न कॉन्फ्रेंस में मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा। आई रेड ए पेपर डीलिंग विद थियोलॉजिकल ग्राउंड्स, जो मजहबी बातों को, रिलीजियस बातों को, या कह लीजिए धार्मिक बातों पर मबनी था, धार्मिक ख्यालों वाला वो जो उसमें लिखा हुआ था, वो डील कर रहा था इन्हीं बातों पर, फॉर द चर्च इज कंसर्न, और वो चर्च के बारे में कुछ बातें बता रहा था वो जो पेपर था, विद पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। वो जो चर्च था, वो जो पूरे समाज में जो पॉलिटिक्स है और सोशियोलॉजी, जो 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 सामाजिक तानाबाना है, और जो सियासी मीन्स राजनीतिक तानाबाना है, उसके बारे में उस पेपर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। विद द कंटेम्प्रेरी डेंजर्स, और आज के जो एक साथ समसामयिक जो डेंजर्स हैं, जो खतरे हैं, ऑफ पीटिज्म दोस्तों, पीटिज्म बोलते हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी के पर्सनल फीलिंग को क्या करना, सप्रेस कर देना, दबा देना, है ना, दबा देना, रादर देन डोगमा ऑफ ट्रूथ। मतलब सच क्या है, सच जो भी है, सच को दूर रख करके किसी के जो क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल जो उनके जो फीलिंग्स हैं उसको दबा देना, इसको बोलते हैं पीटिज्म। क्या बोलते हैं? पीटिज्म। वो जो वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं वहाँ गया कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने एक पेपर देखा जो धार्मिक चीज़ों पर लिखा हुआ था, वो चर्च का सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स के बारे में, चर्च का जो इंटरफ्रेंस है, जो चर्च जो रोल प्ले कर रहा था समाज में, उसके बारे में लिखा हुआ था, और ये कंटेम्प्रेरी एक डेंजर था, एक खतरा था, ऑफ पिटिज्म, सप्रेशन करने का। एंड सीजरिज्म बोलते हैं दोस्तों डिक्टेटरशिप, जहाँ एक रूलर होता है वही सब कुछ करता है और कुछ किसी का नहीं चलता। तो डिक्टेटरशिप के बारे में बात उसमें चल रहे थे। विद द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन इन दिस कनेक्शन, और एक इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन जो थियरी है कि गॉड और इंसान एक ही जगह, एक ही शरीर में रहता है, इस तरह का जो डॉक्ट्रिन है, इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन है ना, इन दिस
इन दिस कनेक्शन, इसी कनेक्शन में उस पेपर में वो ये तो डोरोथी कह रही हैं कि उसमें जो हमने जो पेपर पढ़ा उनमें ये सारी चीज़ें थी, ये बातें थी. आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स सम 250 डील्ड विद द कनेक्शन बिटवीन सिजेरियन एंड एन अनड्यू एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सेक्सुअल एंड कंट्रास्टेड विद फाइनेंशियल मोरालिटी. कह रहे हैं कि उसमें 8,000 वर्ड्स थे, इसमें उस पेपर में जो 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 डोरोथी ने पढ़ा उसमें 8,000 वर्ड्स थे. कुछ 250 और 250 वर्ड किसके बारे में बात कर रहे थे, बिटवीन कनेक्शन बिटवीन सिजेरियन एंड अनड्यू एम्फेसिस, वो डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रहे थे उस पेपर में. 250 वर्ड्स में जो लिखा हुआ था डिक्टेटरशिप और अनड्यू एम्फेसिस, और बेकार का एक जोर डाल रहा था, प्रेशर्ड एक प्रेशर था प्लेस्ड ऑन सेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल सेक्सुअल और कंट्रास्टेड विद फाइनेंशियल, जो कि फाइनेंशियल से अलग था, कंट्रास्टेड था मोरालिटी. सेक्सुअल मोरालिटी, फाइनेंशियल मोरालिटी, मतलब सेक्स, समझ रहे आप मेरी बात, सेक्सुअल मोरालिटी और फाइनेंशियल मोरालिटी, मतलब फाइनेंस वो जो पेपर में था कि फाइनेंस से संबंधित हमारी क्या मोरालिटी होनी चाहिए, सेक्स से संबंधित हमारी क्या मोरालिटी मोरालिटी होनी चाहिए, इन सारी बातों में, इन सारी सारी बातों का एम्फेसिस उसमें दिया हुआ था उस पेपर में, जिसको डोरोथी क्या कर रही थी, पढ़ रही थी. क्लियर है दोस्तों? हाँ. फाइनेंशियल मोरालिटी दिस क्वाइट सब्सिडरी पैराग्राफ, तो कहते ये जो क्वाइट एकदम ये जो फुल क्वाइट बिल्कुल जो सब्सिडरी था पैराग्राफ था, जो जो एक बड़े पैराग्राफ का जो जो छोटा पैराग्राफ होता है उसको सब्सिडरी पैराग्राफ बोलते, तो वॉज रिपोर्टेड. वो जो सेकेंडरी पैराग्राफ था वो रिपोर्टेड एवरीवेयर, हर जगह उसको रिपोर्ट किया जा चुका था, उसकी खबर हर जगह दी जा चुकी थी अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस, काफ़ी सनसनीखेज सुर्खियों में हेडलाइन बना करके, है ना, इन सच ए मैनर, इस तरीके से उसको हेडलाइन बनाया गया था एज टू कन्वे दैट, इस तरह से कि वो मैसेज पहुंचाने के लिए, किस तरह से दैट दिस पासिंग अल्यूजन, एक तरह का अल्यूजन, एक तरह का हिंट दे रहा था, अल्यूजन मैंने हिंट दे रहा था, इशारा मतलब कर रहा था, फॉर्म द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस. कहता है कि ये पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है, पूरा जो मैटर है, पूरा जो विषय है, पूरी चीज़ को, होल सब्जेक्ट मैटर को, है ना, मेरे एड्रेस का, मेरे पते का, पूरे सब्जेक्ट मैटर को क्या क्या कर रहा था, बना रहा था. पासिंग एल्यूजन फॉर्म्ड द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस. आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले पढ़ लीजिए इसको. आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स अबाउट वर्ड्स ऑफ थियोलॉजी the reporter picked the only one which they presumed their readers capable of understanding. अब देखिए, अब बात यह होती है कि 8,000 उसमें वर्ड्स थे, थियोलॉजी के थे, धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन रिपोर्टर ने, वो जो रिपोर्ट करने वाला, जो न्यूज़ का रिपोर्ट करने वाला है, उन्हें सिर्फ उन चीज़ को चुना, किसको चुना, रिपोर्टर पिक्ड द ओनली वन, सिर्फ उसको चुना विच, जो कि दे प्रिज्यूम्ड, वो लोग मान रहे थे, सोच रहे थे, देयर रीडर्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके रीडर्स को, उनके पाठकों को अच्छा लगेगा, उनके पाठक उसको पसंद करेंगे, तभी उसी चीज़ को, सारी चीज़ें थी, लेकिन चुना किसको, जो पाठक को सूट करेगा, जिससे उसका पेपर ज़्यादा बिकेगा और चलेगा. क्लियर है? टू विट कहता है कि अंडरस्टैंडिंग टू विट. अब किस किस चीज़ को वो डालना चाहेगा, न्यूज़पेपर वाला किस किस चीज़ को डालना चाहेगा. नंबर वन, फॉर्निकेशन, एक अनमैरिड लड़का और लड़की के बीच का जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वो हो गया तुम्हारा क्या, फॉर्निकेशन. यू द रीडर, तुम लोग जो पढ़ने वाले हो, किसके, न्यूज़पेपर के, विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, तुम लोग क्या करोगे, इस कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट करोगे, इसकी प्रशंसा करोगे, इसकी तारीफ करोगे जो उसमें हमने छापा है. आई विल जैसा कि एड यू फॉर योर कंफर्ट, तुम्हारे कंफर्ट के लिए, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे 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 अनुसार हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे उसमें, दैट दिस रिपोर्ट वॉज नॉट मेड, लेकिन जो ये जो रिपोर्ट था वो बनाया नहीं गया था, किसके लिए, एज यू माइट वेल सपोज, तुम इस तरह सोच सकते हो, बाय ए
प्रेसमैन फ्रॉम योर फेवरेट पेपर, ये किसी प्रेसमैन के द्वारा बनाया नहीं गया था, फ्रॉम योर फेवरेट पेपर, तुम्हारे किसी पसंदीदा पेपर से, तुम कि जिस पेपर को पसंद करते हो उस पेपर से उस पसंदीदा तुम्हारे पेपर से इस चीज़ को बनाया गया नहीं था। स्पेशली सिलेक्टेड, मुख्य रूप से विशेष रूप से इसको चुना गया था फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स। कहता है कि ये स्पेशली जो चुना गया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स। कहता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है, जो रिलीजन से संबंधित है, उसके कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इन चीज़ों को क्या गया था चुना गया था। ओके, ऑल द डिस्टोर्टेड रिपोर्ट्स एमिनेटेड फ्रॉम ए न्यूज़ एजेंसी, जितने भी डिस्टोर्टेड मोड़े हुए या अपने सच्चाई से दूर हटाए हुए जितने भी तथ्य थे, जितने भी रिपोर्ट्स थे, ऑल द डिस्टोर्टेड रिपोर्ट्स, जितने भी तोड़े मोड़े रिपोर्ट्स थे एमिनेटेड फ्रॉम ए न्यूज एजेंसी, सारे के सारे कहाँ से निकले थे, एमिनेट हुए थे कहाँ से, निकले थे एक न्यूज़ एजेंसी से, एक खबर के एजेंसी से, जहाँ से वो खबर निकलती है वहीं से वो डिस्टोर्टेड फैक्ट्स, डिस्टोर्टेड न्यूज़ को निकाला गया था, दिया गया था, फैलाया गया था। एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स, और निजी एडिटर से, संपादकों से, निजी संपादकों से, व्हेन रिमोन्स्ट्रेटेड विद, जब इसका विरोध किया गया, रिमोन्स्ट्रेट मैंने दोस्तों विरोध करना, जब इसका विरोध किया गया, वर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेंट टू डिसअवोव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब इसको ऑब्जेक्ट किया गया, इसका विरोध किया गया, वर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेंट टू डिसअवो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे पार्ट जो ज़्यादातर इसका पार्ट था, मोस्ट पार्ट था, जिसमें कंटेंट था, जो उसका लिखा हुआ चीज़ था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कोई मतलब नहीं था, जो लिख दिया पेपर में लिख दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपेंस एट पब्लिक मीटिंग्स, यही है जो जो तुमको जानना चाहिए कि पब्लिक मीटिंग्स में जनता से जब मुलाकात मीटिंग होती है उस मीटिंग में क्या होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहा था कि किसी फैक्ट को जो भी दिया, मान लो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसमें से किस चीज़ को चुन करके हमको हेडलाइन बना देना है, एकदम सेंसेशनल हेडलाइन बना देना है, ताकि वो दिखने वाले को दिखे, एकदम बिल्कुल सनसनीखेज हो, उसको दिखते ही वो क्या कर ले, उसको पढ़ने की उसको इच्छा हो। इसी कारण क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सेंसेशनल हेडलाइंस बनाते हैं ताकि उसका पेपर बिके, चले, और उसकी बिक्री, उसका जो रिवेन्यू है बढ़े। ओके, दूसरा पॉइंट, गार्बलिंग मीन्स एक्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग समथिंग, मतलब कंफ्यूज करना, कोई चीज़ को लिखना लेकिन कंफ्यूज स्टेट में लिखना, क्या सच है क्या नहीं है क्लियर नहीं करना, दिस इज द स्पेशल अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। कहते ये एक स्पेशल बात है ना प्रेस इंटरव्यूअर का, जो इंटरव्यू लेता है, प्रेस का इंटरव्यू लेता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले। कहता है ये कह रही है, डोरोथी कह रही है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, बना रहे थे, तैयार करते थे, माई लेटेस्ट प्ले, मेरा सबसे सबसे बिल्कुल लास्ट वाला ड्रामा, आई वॉज आस्ड, लोगों ने मुझे पूछा, मैं पूछा गया व्हाट वर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, कि मेरे जो प्लान्स हैं, मेरी जो योजनाएं हैं भविष्य के लिए क्या हैं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आई नेवर मेड प्लान्स। इनने कहा, डोरोथी ने कहा कि मैं कभी प्लान्स नहीं बनाती, मैं कभी योजनाएं नहीं बनाती, दैट आई प्रेफर्ड जो कुछ मैं प्रेफर करता हूँ, जो कि मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, राइटिंग प्लेस टू नॉवेल्स। क्या मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा, प्लेस लिखना नॉवेल्स की तुलना में, मतलब मैं ड्रामा लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ अफसाना लिखने से, नॉवेल लिखने से, उपन्यास लिखने से, उपन्यास मैं कम पसंद करता हूँ, और मैं प्लेस लिखना, ड्रामा लिखना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। कौन का, डोरोथी।
दो नॉवेल्स पेड बेटर. हम जानते हैं यद्यपि नॉवेल्स से ज़्यादा पैसा मिलता है एंड दैट और ये फाइनेंशियल कंसिडरेंस नॉट विदस्टैंडिंग. अगर हम फाइनेंशियली सोचें, अगर हम आर्थिक रूप से सोचें, अगर उसको सोचें डिस्पाइट उसके बावजूद कि इफ़ द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ प्ले, अगर हमको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि एक ड्रामा लिखने का, टू प्रेजेंट इट सेल्फ, राइट अ प्ले वर टू प्रेजेंट इट सेल्फ, उसको खुद प्रेजेंट करने के लिए, खुद दर्शाने के लिए, खुद लोगों को देने के लिए, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर उदाहरण स्वरूप अनदर कमीशन मीन्स दूसरा कमीशन. कमीशन माने जो हमको पैसा मिलता है कमीशन के रूप में फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल्स. कहता है कि जो कैंटरबरी में जो फेस्टिवल होगा, त्यौहार होगा, उसमें मुझे अलग से कमीशन मिलेगा ड्रामा लिखने के लिए. कौन कह रही है? डोरोथी कह रही है कि मुझे ड्रामा लिखने के लिए क्या मिलेगा? अलग से पैसा मिलेगा. आई शुड अनडाउटेडली, इसलिए मुझे बिना झिझक कर, बिना शक के, बिना शोभा के, बिना संदेह के, आई राइट इट, मैं इसको लिखता हूँ. दिस रिप्लाई ड्यूली अपियर्ड इन द प्रेस. ये जो मैंने बात कही, ये पूरा जो जवाब है मेरा प्रेस में आ गया, मीडिया में आ गया, अखबार में आ गया, इन द फॉर्म. किस रूप में आया? देखिए, मिस सेयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशंस. मिस सेयर कहती हैं, मिस डोरोथी सेयर कहती हैं कि शी वुड राइट नो मोर प्लेज, वो और ड्रामे नहीं लिखेगी. क्यों नहीं लिखेगी? एक्सेप्ट ऑन कमीशन. अगर उनको कमीशन मिलेगा, कमीशन का पैसा मिलेगा, तब जाकर वो ड्रामे लिखेगी. तो देखिए कितना मोड़ दिया, कितना तोड़ दिया. ये कुछ कह और रही थी प्लेस के बारे में, लेकिन न्यूज़पेपर ने उसको दूसरा रूप दे दिया. तो यही है कि कहना चाहते हैं कि ये गार्बलिंग करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं. पहले क्या था? सेंसेशनल हेडलाइंस बनाते हैं, काफ़ी सनसनी केस. दूसरा क्या था? कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं अपने लेख से. तीसरी बात, ब्लैंड परवर्जन्स. ब्लैंड मीन्स दोस्तों जिसमें कोई मज़ा ना हो, बेमज़ा. परवर्जन्स माने ह्यूमिलेशन, किसी को लो फील कराना, ह्यूमिलेशन, बेइज्जती. ब्लैंड परवर्जन्स ऑफ दिस काइंड, इस तरह की ह्यूमिलेशन, इस तरह की बकवास चीज़ें, इस तरह की लो फीलिंग, इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की बिना टेस्ट वाला, इसमें कोई टेस्ट ना हो. टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स, और इसके साथ क्या, इंटरव्यू का जो प्लेफुल जो अंदाज है, पूरा खुश वाला, जो बिल्कुल वो पूछता है, जो इंटरव्यूअर होता है, पूछता है ना, मुंह में माइक ठोस देता है, फिर पूछता है बताइए, इसी तरह से बहुत प्लेफुल, एकदम खिलता हुआ अंदाज, प्लेफुल हैबिट, खिलता हुआ उसकी जो आदत है ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स, वो अपना स्टेटमेंट बनाता है, अपनी बात को कहता है हिमसेल्फ, खुद से, अट्रीब्यूटिंग देम टू हिज विक्टिम. और उसको क्या कर देता है? अट्रीब्यूट कर देता है, दूसरे की तरफ बता देता है कि ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? अट्रीब्यूटिंग टू देम टू हिज विक्टिम. अपने शिकार को, विक्टिम ने शिकार. मेक रिपोर्टेड इंटरव्यूज, और रिपोर्टेड इंटरव्यूज बनाते हैं. कैसा? वैसे इंटरव्यूज, वैसे मुलाकात, वैसे इंटरव्यूज जो रिपोर्टेड होता है, जो पहले से रिपोर्ट किया जाता है. सिंगुलरली मीन्स स्ट्रेंजली अनरिलायबल रीडिंग, जो कि बिल्कुल अनरिलायबल है पढ़ने के लिए, कोई उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, कोई उसमें विश्वास ही नहीं करेगा कि आखिर यह है क्या चीज, पढ़ने योग्य है ही नहीं. क्लियर दोस्तों? वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन, कहते हैं कि एक इंसान को बिल्कुल अलाउ करना चाहिए, है ना, प्रेसमैन के लिए, एक प्रेस के आदमी के लिए, एक मीडिया के आदमी के लिए, विविड इमेजिनेशन, क्लियर कट सोच, क्लियर कट इमेजिनेशन, सोच विविड बने, स्पष्ट. आई रिमेंबर रीडिंग विद इंटरेस्ट, और मुझे याद है कि मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, काफ़ी दिलचस्पी के साथ क्या करता था, इसको पढ़ता था. दैट माई आईज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेस, कि मेरी आँखें मेरे चश्मे के पीछे ग्लिटर कर रही थी, चमक रही थी. देन मेकिंग सम रिमार्क और द अदर, और जब मैं कोई बात कहता था, कोई बात रिमार्क कहता था, कुछ एक या दो बात कहता था. सिंस द पर्टिकुलर इंटरव्यू, क्योंकि वो जो पार्टिकुलर, जो विशेष तरह का जो इंटरव्यू था, वॉज गिवन बाई टेलीफोन. हमने उसको किस पे दिया था? द
टेलीफोन पे दिया था. आई कुड ओनली कंक्लूड, मैं सिर्फ इतना बात बता सकता हूँ, मैं नतीजा निकाल सकता हूँ, दैट द इंटरव्यूअर्स ओन आईज, कि जो इंटरव्यू जो ले रहा था उसकी जो अपनी आंखें हैं, मस्ट हैव बिन डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप, कि उसकी जो आंखें हैं डबल मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए उसमें, मतलब काफ़ी दूर तक उसकी दूर अंदेशी होनी चाहिए, उसको दूर तक सोच समझ में आना चाहिए. मीन्स इसका मतलब है ये एक डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप है, एक्स्ट्रा पावर, मतलब उसकी आंखों में एक्स्ट्रा पावर का डबल माइक्रोस्कोप लगा होना चाहिए. मीन्स उसकी बुद्धि दूर दूर तक काम करनी चाहिए. बट द लास्ट, लेकिन लास्ट में बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यू, कहता सबसे बढ़िया वर्ड जो प्रेस के इंटरव्यू में, जो अखबारात के इंटरव्यू जो होता है उसमें, हैज़ बिन रिटन, जो लिखा गया है बाय क्यू, किसके द्वारा, क्यू के द्वारा, इन फॉर्म अ कॉर्निश विंडो, कॉर्नवालिस, कॉर्नवाल का, फ्रॉम अ कॉर्नवालिस कॉर्निश विंडो, कॉर्निश मैंने दोस्तों कॉर्नवाल का रहने वाले को हम लोग कॉर्निश बोलते हैं, इन क्यू फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो, दोज हु बिलीव दैट पब्लिक कैरेक्टर्स, जो वो लोग जो बिलीव करते हैं, जो यकीन करते हैं दैट पब्लिक कैरेक्टर्स, जो जनता की जो कैरेक्टर है, जो उसका आचरण है, से एवरीथिंग, सब कुछ बता देता है, सब कुछ कह देता है, दैट आर रिपोर्टेड एज सेइंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग, है ना, दैट आर रिपोर्टेड, जो कुछ भी रिपोर्ट किया जाता है, जो कुछ भी खबर दिया जाता है, एज सेइंग, कहते हुए, शुड रीड इट, उसको पढ़ा जाना चाहिए, एंड टेक वार्निंग, और वार्निंग लेना चाहिए, वार्निंग, सावधान हो जाना चाहिए. 13, तीसरा पॉइंट, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का गलत रिपोर्टिंग, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, कैसे होता है, सम टाइम अगो, कुछ टाइम पहले, अ डेली पेपर रिपोर्टेड दैट माई फ्लैट हैड बीन ब्रोकन इनटू प्रीवियस डे, है ना, कुछ दिन पहले अ डेली पेपर, एक दैनिक समाचार पत्र ने रिपोर्ट किया था कि माई फ्लैट, कौन कह रही, डरो थी कि मेरा जो फ्लैट है, हैड बीन ब्रोकन, वो टूट चुका है इनटू द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे वो क्या हुआ, टूट चुका है, एंड आई हैड रिटर्न फ्रॉम, और मैं जो लौटा था, आई हैड रिटर्न, मैं लौट चुका था, लौटा था फ्रॉम, आई थिंक दे सेड, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने कहा, ऑक्सफोर्ड, मैं कहाँ से लौटा था, ऑक्सफोर्ड से, कोई किसने कहा, पेपर वाले ने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड से लौटा था, इन टाइम टू डिस्टर्ब द थीव्स, उस समय में जबकि चोरों को डिस्टर्ब किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको परेशान किया जा सके, दिस वॉज ट्रू एनफ, ये थोड़ा सा सही था, ट्रू था, एक्सेप्ट द एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग, और बाकी सारे जो डिटेल थे उसमें, जितनी भी चीज़ें उसमें डाली गई थी उसमें, सारा का सारा गलत था, रॉन्ग था, द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन अलेज्ड, और उसमें जो डेट डाला गया था न्यूज़पेपर में, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो 3 दिन पहले का डला हुआ था, गलत डेट डाला हुआ था, आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड, वो जो कह रहा था कि मैं ये कह रही कि उस न्यूज़पेपर ने जो रिपोर्ट किया कि मैं ऑक्सफोर्ड में थी, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड में उस वक्त नहीं थी, बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी, बल्कि मैं राजा के गार्डन पार्टी में थी, कहाँ नहीं थी, ओके, ऑक्सफोर्ड में नहीं थी, एंड द इंट्रूडर्स हैड बिन डिस्टर्ब्ड, और जितने भी इंट्रूडर्स हैं घुसते घुसते आ जाते हैं, हैड बिन डिस्टर्ब, उन लोगों को काफ़ी परेशान किया गया, नॉट बाय मी, मेरे द्वारा नहीं, बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय, बल्कि समाचार पत्र के उस लड़के के द्वारा इसने चीज़ को लिखा था, द इंटरेस्ट हेयर लाइज इन प्रोबेबल रीजन फॉर द मिस स्टेटमेंट्स, कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो दिलचस्पी है, यहाँ है, यहाँ लाई करती है इन द प्रोबेबल रीज़न, कुछ कारणों से, कुछ शायद कुछ कारणों से, फॉर द मिस स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स के लिए जो कि गलत तरह से कहे गए हैं, द डेट हैड टू बी चेंज्ड, कहता है कि वो जो डेट वो 3 दिन पहले का दिया था, उस डेट को चेंज किया जाना चाहिए था, टू कंसील द फैक्ट, ताकि तथ्य को छुपाने के लिए, डेट द न्यूज़ वॉज ऑलरेडी
कॉल्ड, क्योंकि वो जो समाचार था, वो जो न्यूज़ था, वो जो खबर थी पहले से क्या थी, ठंडी थी, कोल्ड थी। दैट आई वॉज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बॉय, कि मुझे उस लड़के से बदल दिया गया था, सब्स्टिट्यूट किया गया था प्रिज्मेबली फॉर माई ग्रेटर स्नोब वैल्यू, क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्नोब वैल्यू के लिए, ज़्यादातर काम के लिए मुझे उस लड़के के द्वारा मुझे रिप्लेस कर दिया गया था। द अल्टर डेट वॉज ए बैड ब्लंडर, जो वो जो बदला हुआ जो डेट था, बदली हुई जो तारीख थी, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर था, सबसे बड़ी भूल थी। बकिंगम पैलेस वुड हैव बीन अडॉर्न्ड द टेल टू सो मच बेटर एडवांटेज। कहता बकिंगम पैलेस जहाँ उसके मिनिस्टर्स रहते हैं दोस्तों, है ना, ब्रिटेन के, बकिंगम पैलेस वुड हैव अडॉर्न्ड, उसको सजाया गया होता द टेल टू सो मच बेटर एडवांटेज, है ना, उसको किसको, बकिंगम पैलेस वुड हैव अडॉर्न्ड द टेल, उस कहानी को अच्छी तरह से उसको सजाना था, उसको कहना था सो मच टेल टू सो मच बेटर एडवांटेज, ताकि उससे उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता, ज़्यादा फ़ायदा मिलता। नंबर फोर, प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, कम्प्लीटली जो तथ्य होते हैं उसको करीब एकदम उल्टा देते हैं न्यूज़पेपर लोग, एकदम न्यूज़पेपर के लिखने वाले, प्रेस के लिखने वाले उसको उल्टा देते, जो होता है वो उसको नहीं लिखते, कंप्लीट उल्टा देते हैं। ऑन ए समन्स फॉर शेडेड लाइट्स, कहते हैं ऑन ए समन, कहते हैं किसी समन पर, किसी बुलावे पर, किसी के ऑर्डर पर, फॉर अनशेडेड लाइट्स के लिए, अनशेडेड प्रकाश के लिए, अनशेडेड मैंने जिसका कोई शेड नहीं हो, परछाई नहीं हो। अ लेटर ऑफ माइन वॉज रेड टू द बेंच, वो जो एक लेटर में से कई लेटर्स में से मेरा एक जो लेटर था वॉज रेड, पढ़ा गया टू द बेंच, उस बेंच को जहाँ वो मौजूद था, वहाँ के लोगों को जो उस बेंच में थे, एक्सप्लेनिंग दैट माई सर्वेंट हैड, ये बात एक्सप्लेन करते हुए कि मेरे नौकर ने हैड केयरफुली ड्रॉन द कर्टन्स, काफ़ी सावधानी पूर्वक वो जो पर्दे हैं उसको लगा दिया था, खींच दिया था। बट दैट देयर हैड प्रूव्ड, लेकिन वो इस चीज़ को दैट देयर हैड प्रूव्ड, वो इस चीज़ को प्रूव कर चुका था, हाँ, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनलकीली क्या हुआ, टू बी डिफेक्ट इन द कर्टन देमसेल्फ, है ना, ये देखा गया कि वो जो पर्दे हैं कर्टन से उनमें ऑलरेडी क्या है, एक डिफेक्ट है, एक ऐब है, सही से वो सेट नहीं हुआ है। टू बी ए डिफेक्ट इन द कर्टन देमसेल्फ्स, द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड, वो जो मकामी जो अखबार था, वो जो लोकल न्यूज़पेपर था, वो स्थानीय जो समाचार पत्र था, उसने रिपोर्ट किया, मिसेस सेड दैट सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रॉ द कर्टन्स, मिसेस कहती हैं कि वो जो सर्वेंट था, नौकर था, भूल गया था कर्टन्स को लगाना भूल गया था, कि न्यूज़पेपर ने क्या किया, प्रेस ने क्या क्या रिपोर्ट किया। दिस वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन एंड डिस्ट्रेस टू माय सर्वेंट, ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड किया हुआ क्या, टू कॉज, दिस वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज, ये जो है मेरे जो सर्वेंट है उसको डिस्ट्रेस में, परेशानी में और दर्द में लाने का एक जाना बूझा क्या था, कैलकुलेटेड कॉज था, इट वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज, ओके, बट वाई शुड एनीबॉडी केयर, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्यों फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या केयर करना है, कुछ भी केयर नहीं करना है। मीन्स प्रेस वाले कुछ भी लिखें, प्रेस वाले जो लिखें, प्रेस वाले जानते हैं, अखबार वाले जानते हैं कि हम जो लिखेंगे लोग पढ़ लेंगे, उस पर यकीन कर लेंगे, उसको मान लेंगे, क्योंकि लोग पढ़ते तो हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। नंबर दो, उनको सच्चाई और गलत और सही के बीच डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है, ये बात पहले ही वो कर चुके होते हैं। और वो ये भी कहते हैं मिस्टर डोरोथी एल्सेयर्स कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस में, कि प्रेस का जो है कितना फ्री है वो, और वो कितना मिसयूज़ करता है फैक्ट्स का, पब्लिक ओपिनियन का, जो भी वो समाज की बातें होती हैं उसको डिस्टॉर्ट करता है,
तोड़ देता है, मरोड़ देता है, तोड़ मरोड़ कर जो सच्चाई होती है वो हटा देता है और गलत चीज़ों को पेश कर देता है। तो इसी तरह से वो नाम लेता है कि कितनी गलत चीज़ों को पेश करता है। सबसे पहले कोई भी गलत चीज़ एक सेंसेशनल हेडलाइन बनाता है, सनसनी खेज एक हेडलाइन, एक सुर्खी बनाता है, है ना, हेडलाइन हेडलाइन बना पाता है। दूसरा पॉइंट था गार्बलिंग करता है, कोई भी चीज़ लिखता है ना वो कन्फ्यूज्ड होता है, उसका जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है दोस्तों वो क्या है, सही है, अब आप उसको समझते रहिए, गार्बलिंग करता है ये, ठीक है। गार्बलिंग हो गया, सेंसेशन हेडलाइन हो गया, और फिर वो क्या करता है, ब्लैंड परवर्जन्स, ह्यूमिलिएशन, किसी के पढ़ते लिखता है तो ह्यूमिलिएट करता है उसको, उसको लो फील करवाता है। ओके, एंड थर्ड, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को सही से रिपोर्ट नहीं करता, कौन, प्रेस वाले, अखबार वाले, समाचार पत्र वाले, तथ्यों को सही से वो क्या नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, उसकी रिपोर्टिंग, उस पर जो खबर लिखते हैं तथ्यों को सही से नहीं डालते, जो मनमाना होता डाल देते हैं, क्लियर है। और फिर लास्ट में लिखते हैं प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, और जितने भी तथ्य होते हैं उसको पूरा पलट देते हैं, प्लेन रिवर्सल, पूरा पलटा मार देते हैं, जो हो जैसा हो जो करना हो, यही प्रेस का मेन काम रह गया है। जो आज पब्लिक को क्या कर रही है, वो जानती है, वो गुमराह कर रही है, पब्लिक यकीन भी कर लेती है इस बात को। तो चलिए दोस्तों, यही था, एक बार और आप देख लीजिएगा शुरू से, इसके पहले वाले वीडियो को भी देखिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये है, मतलब कहना है सिर्फ प्रेस के बारे में कहना है कि प्रेस जो है, जो न्यूज़पेपर है या जो भी मीडिया हाउसेस हैं या मीडिया है, मीडिया का काम क्या है, जो काम है वो उस काम को न करके क्या करता है, वो सेंसेशनल हेडलाइन बनाता है, गार्बलिंग करता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न पैदा करता है, फैक्ट्स को सही से रखता नहीं है, फैक्ट्स को टोटल बदल देता है, झूठ लिखता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं आजकल के न्यूज़पेपर्स के। तो यही दोस्तों, चूंकि न्यूज़पेपर्स को क्या चाहिए, मनी चाहिए, रिवेन्यू चाहिए, तो कहाँ से आएगा, उसके एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे लोगों से, तभी तो उसका होगा ना, सर्कुलेशन से तो उतना उसको मिलने वाला है नहीं। तो चलिए जो भी है, तो आप इसको देख लीजिए, एक बार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, लास्ट पार्ट के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।